गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर अनुशासनात्मक पाठ्यक्रम और बेहतर शिक्षण का माहौल बनाना है। यूनिवर्सिटी के कुलपति की माने तो NEP 2020 के तहत छात्रों को अध्ययन के लिए विषयों के चयन को और अधिक आसान किया गया है, जिससे 21वीं सदी के कुशल और सर्वांगीण व्यक्तित्व में निखार होगा। NEP 2020 21वीं सदी की शिक्षा के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के अनुरूप एक नई प्रणाली का निर्माण करेगी, जो प्रत्येक व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता के विकास पर विशेष रूप से जोर देगी। जब हरियाणा गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया, उसके बाद हमने इमीडिएटली 2022-23 में ही पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पर यूनिवर्सिटी कैंपस पर हमने लागू कर दिया था, और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो कॉलेजेस में चल रहे थे उनमें भी लागू हमने उस टाइम कर दिया था। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का 2023 के मार्च में जब हमारे पास फरवरी मार्च में जब हमारे पास नोटिफिकेशन आया फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो फिर हमने इसकी कंप्लीट स्कीम हम बना चुके थे सेंट्रल कमेटी के थ्रू, और हमने 2023-24 में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पर कैंपस पर लागू कंप्लीट कर दिया। इसके मैं स्टेजेस बताऊंगा कैसे लागू होगा ये। फिर जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन जो आया था वो ये था कि कॉलेजेस पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को छोड़ के बाकी यूनिवर्सिटी के लिए ऑप्शनल है, तो हमने उस ऑप्शनल से थोड़ा सा आगे गए। कॉलेज पे हम अंडर ग्रेजुएट स्टडीज पर 2024-25 से लागू करेंगे कंप्लीट, किंतु एक प्रोग्राम जो गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 9 में है, बैचलर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, उसका स्कीम एंड सिलेबस अप्रूव करके हमने लागू कर दिया है। और वो इसलिए लागू किया हमने अपने ऑन पर ताकि हम सारी प्रॉब्लम जो कॉलेज फेस करेगा वो नेक्स्ट ईयर जब हम इंप्लीमेंट करेंगे कंप्लीट स्कीम को, हमारे सामने वो चैलेंजेस पहले से ही सेटल हो चुके होंगे। तो ये हमारा प्रोसेस है, 2024-25 में ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। इसकी जो स्टेजेस हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की, हम 7 स्टेजेस पर बात कर रहे हैं। इसमें जो पहला साल होगा जिसमें 2 सेमेस्टर होंगे, उसमें जो क्रेडिट कवर होंगे 40 से 44 क्रेडिट तक उसमें कवर होंगे, और उसमें हम यूजी सर्टिफिकेट दे सकते हैं हम जो बच्चा एग्जिट करेगा। जो एग्जिट नहीं करेगा वो आगे जाएगा, वो सेकंड ईयर में जाएगा। सेकंड ईयर कंप्लीट होने के बाद अगर एग्जिट करता है तो हम डिप्लोमा की डिग्री देंगे, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा। ये स्टेजेस फिक्स की गई हैं क्योंकि एग्जिट और एंट्री प्रोग्राम है, ये स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया गया है इसमें ताकि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, कोई भी स्टूडेंट जो स्पोर्ट छोड़ना चाहता है, कोई और काम करना चाहता है बीच में, एक साल के बाद वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप का काम शुरू करके सेकंड ईयर में आ सकता है। देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी शुरू में तो थोड़ी लिमिटेड रहेगी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब सपोज कोई बच्चा ऐसा सब्जेक्ट चूज कर ले कि जो जिसका टीचर ही ना हो तो उसको हम कैसे फ्लेक्सिबिलिटी देंगे। तो इसलिए पहले तो जो हमारे पास जो टीचर्स जो अवेलेबल है सब्जेक्ट्स में, उनमें हम फ्लेक्सिबिलिटी देंगे। और एक जो नए तरह से फ्लेक्सिबिलिटी आएगी MOOC कोर्सेज के माध्यम से, कि अब क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो कुछ कोर्सेज ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन जैसे हजारों कोर्सेज अवेलेबल हैं, और यदि वो ऑनलाइन कोर्स करके उसके क्रेडिट देता है तो यूनिवर्सिटी डिग्री में उसको इंक्लूड कर देगी। लेकिन हाँ, आने वाले समय में ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी जैसे नंबर ऑफ टीचर्स होंगे। और अभी मैं एक हम बात कर रहा था कि इसमें क्लब्स का बहुत योगदान होने वाला है, तो यूनिवर्सिटी में लगभग 10-20-25-30 क्लब होंगे। उन क्लब के माध्यम से हम जो एक्सपर्ट्स होंगे समाज में जो अवेलेबल है आसपास, उनको बुलाएंगे और उनके माध्यम से भी हम उनको बच्चों को शिक्षा देंगे। जो उनके माइनर कोर्सेज हैं वो क्लब के माध्यम से कवर होंगे। वो 3 साल के ड्यूरेशन में बाद में आ सकता है दोबारा, लेकिन जैसे आपने बीच में छोड़ गए तो 3 साल बाद वापस आके उस कोर्स को पूरा कर सकते हो। एंट्री एग्जिट सभी में लागू होगा, क्योंकि ये तो पूरी होलिस्टिक अप्रोच है एजुकेशन, इसमें जो नई शिक्षा नीति है ये राष्ट्र शिक्षा नीति पूरी सभी सब्जेक्ट में होगी, फ्रीडम सभी में मिलेगी। ये नहीं है कि एक में सब्जेक्ट में फ्रीडम है एक में नहीं है। हाँ, इसमें मुश्किल आने वाली है लेकिन सभी में